अरे तुम कहाँ के पंडित हो, कैसे पंडित हो, जय जयकार बुलाओ। सेठ अजीत प्रसाद जी की, सेठ करोड़पति अजीत प्रसाद जी की, सेठ करोड़पति अजीत प्रसाद जी की। कवि नमस्ते। काकी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। फंक्शन खत्म होने के बाद मुझसे मिलना, कुछ बात करनी है। भाइयों, बहनों, सज्जनों, इस स्कूल के हेडमास्टर होने के नाते मैं अपना फर्ज समझता हूं कि आप सबसे करोड़पति अजीत प्रसाद जी का परिचय कराऊं। इनका बचपन इन्हीं गली कूचों में बीता था। मुझे उस वक्त भी लगता था और आज भी लगता है कि करोड़पति अजीत प्रसाद जैसे शूरवीर को कोई सीमा में बांध कर नहीं रख सकता। फिर आप सोचेंगे कि वो कौन सा पारस पत्थर था जिसके पाते ही वो करोड़पति बन गए। ये संयोग की बात होती है। वो थी इनकी धर्म पत्नी और आप ये सुनकर और भी खुश होंगे कि वो भी इसी नगर की हैं। इस दंपति की दया दृष्टि, ईमानदारी और चरित्र बल, आई मीन द स्ट्रांग कैरेक्टर की जितनी तारीफ की जाए कम है। माफी चाहूंगा, मैं ये कहना तो भूल ही गया था कि ये फंक्शन हमारे साइंस मास्टर देवकी नंदन शर्मा की रिटायरमेंट पर रखा गया है। अब सेठ करोड़पति अजीत प्रसाद जी अपने शुभ हाथों से ग्रेचुएटी फंड का चेक मास्टर देवकी नंदन शर्मा जी को देंगे और साथ साथ स्कूल के ओल्ड बॉयज और हम मास्टरों की तरफ से 825 रुपए की रकम भी भेंट करेंगे। अब मैं करोड़पति अजीत प्रसाद से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माइक पर आए और आप लोगों को दर्शन दे रूबरू। रूबरू मुझे देख रहा है माइक। माइक पहले मैं मास्टर जी से निवेदन करूंगा कि वो आपसे कुछ कहें। मास्टर जी तालियां। बंधुओं और प्यारे बच्चों, 40 साल क्या कहूं, यूं कहने को तो बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं। और जो कुछ कहना था वो इन पिछले 40 सालों में कहता ही आया हूं। आज 40 साल बाद इस पेशे से अवकाश ग्रहण करते हुए मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा, इसलिए कि मैंने इससे पूरी आत्मसंतुष्टि पाई। मेरे जीवन के चारों ओर विद्यार्थियों की भीड़ रही और जिसमें से कई इस महान देश की सेवा कर रहे हैं, इन सब को देखकर मेरे मन को वही शांति मिलती है जो एक किसान को अपने लहलाते हुए खेतों को देख के मिलती है। विदाई लेते समय आपसे यही उम्मीद करूंगा कि कुछ में जो त्रुटियां रही हैं उसे आप जमा कर देंगे। भाइयों, आपने मास्टर जी की बातें सुनी। आज देश भर में उनके विद्यार्थी ऊंची ऊंची जगहों पर सेवाएं कर रहे हैं। मुझे भी इस बात का फखर हासिल है कि मैं भी उनमें से एक हूं। मैं तो अपने मास्टर जी के बताए हुए एक ही उसूल पर चल रहा हूं कि ऊंचा सोचो और सादा रहो। हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग। तालियां। मास्टर जी, आपका चेक और स्कूल की तरफ से रुपए और मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट, सिर्फ 10,000 रुपए। आपकी बेटी की शादी भी तो होनी है। बेटी की शादी? गौरी, भगवान तुम्हें सुखी रखे। धनलक्ष्मी,
धन लक्ष्मी, अब आप कमरे में जाकर जरा आराम कीजिए। जीत बता जी, मैं भी अगले साल रिटायर होने वाला हूँ, मेरी तो 7 बेटियां हैं। साथ अज्जू बेटा, मैंने ही भविष्यवाणी की थी कि अगर तुम गौरी से विवाह करोगे तो तुम्हारे लिए धन लक्ष्मी साबित होगी। धना धन 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 पंडित का बच्चा। अच्छा रवि, अब सुनाओ, तुम्हारी पढ़ाई तो खत्म हो चुकी है, तुम क्या करना चाहते हो? कहीं नौकरी की तलाश की? नौकरी में क्या रखा है, सिर्फ 300-400 रुपए। मैं शहर जाके अमीर बनना चाहता हूँ, अजीत प्रसाद जी की तरह। तो अजीत प्रसाद तुम्हारा आदर्श बन गया है। रवि, तुम गांव में ही रहो, यहाँ की जिंदगी में जो सुख है वो शहर और दौलत में नहीं है। ये आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप अमीर हैं। दौलत की ख्वाहिश में तुम अपनी हेमा को भी भूल गए। मुझे नहीं मालूम। करोड़पति अजीत प्रसाद जी, मेरी 7 बेटियां हैं, हर बेटी की शादी पर आपको आना होगा, जरूर आना होगा। अब मैं बात नहीं करती, हट पंडित रुपया हड़प करता है, हट जाने किसी। मास्टर जी की तो जिंदगी गुजर गई। अपनी तो समझ में नहीं आया, ये अज्जू मास्टर जी पर इतना मेहरबान क्यों? परसा परसी परसरा माया के तीन नाम। अब तो मास्टर जी को भी कहना पड़ेगा देवकी नंदन जी। भाई हमने तो निर्णय कर लिया, इनके दमाद बनने में फायदा ही फायदा है, तो 10 पास खींच लेंगे। अमीना, अगर मेरे पिता और मेरी बहन की निंदा की तो चीर के रख दूंगा। गंगा, जिंदगी में ले दे के बस एक जिम्मेदारी रह गई थी, बेटी की शादी। अब ये चिंता भी दूर हो जाएगी, लेकिन एक चिंता हमेशा के लिए रह जाएगी कि मैं अपने बेटे को कुछ नहीं बना सका। हजारों लड़कों को पढ़ाया, उन्हें जिंदगी के रास्ते बताए, लेकिन जब मैं अपने बेटे की तरफ देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरी जिंदगी असफल रह गई। क्यों अपने आप को दुखी करते हो? आप ही तो कहते थे दिया तले हमेशा अंधेरा होता है। अरे ये मार कहां से लगा ला है? अरे बोलता क्यों नहीं? वो आपने क्यों लिया? क्या वो 10,000 का दान? अभी कैसी बातें कर रहा है, वो तो भेंट थी। वो भेंट नहीं थी, भीख थी, भीख। मुझे आपसे नफरत है, नफरत। एक बाप सारी जिंदगी अपने परिवार की फिक्र में गुजार देता है, और जब उसकी जिंदगी की शाम आती है तो उसके बुढ़ापे का सहारा उसके मुंह पर कहता है, मुझे तुमसे नफरत है। क्यों? क्योंकि वो एक गरीब है। अगर तुझे हमसे इतनी नफरत है तो निकल जा यहाँ से। जा, जाता क्यों नहीं? जा, हमें अपनी गरीबी से कोई डर नहीं लगता, चला जा। मैं नहीं मालूम कि मुझे अपनी गरीबी से नफरत है या अजीत प्रसाद की अमीरी से। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि पिताजी ऊंचे आदर्श में अपनी जिंदगी गुजारने के बाद उन्हें दूसरे से भीख लेनी पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे पिताजी तमाम उम्र अपनी जिंदगी का मजाक उड़ाते रहे। किस काम का ऐसा दर्द? आज तूने सच्चाई के दर्पण में मेरी जिंदगी का असली रूप दिखा दिया, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूं? मैं कर सकता हूं। आपने अपनी जिंदगी को अपने असूलों की कैद में रखा और हमें ये जिंदगी दी। माँ ने 2 साली में सारी उम्र गुजार दी। आपके पास पैसे नहीं रहे मेरी बहन को डॉक्टर बनाने के लिए। अब मुझे मौका देकर तो देखिए। क्या चाहते हो? सिर्फ एक मौका, बेच डालिए इस गरीबी की दौलत खाने को और चलिए मेरे साथ शहर। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया, चल खाना खा ले। ओ माँ, तुम लोग मुझे कभी नहीं समझोगे। Thank you.
रोज झगड़ा रोज झगड़ा, अब घर बेच देना चाहता है, पागल हो गया है। गंगा वो तो अभी बच्चा है, उतावला है, जल्दी में कुछ ना कुछ कर डालना चाहता है। हम पुराने जमाने के लोग सोचा करते हैं कब हमारी मिट्टी धरती में मिल जाए, आज के बच्चे धरती की नहीं आसमान की सोचते हैं। मेरे ख्याल में एक मौका उसे देना ही चाहिए, आखिर अपना राजेश भी तो अपने पिता के साथ शहर में ही है। गंगा जन्म भर तुम गांव में पड़ी नहीं, चलो चलो अब शहर भी चल के देख ले। भैया भैया उठो ना। क्या है सुनीति, सुने दे। चलो खाना खा लो, हम सब शहर जा रहे हैं। क्या चाचा जी,
संभालिए आप इसे। चाची मैं आपके राशन पानी का इंतजाम करके आता हूँ। अरे साईं, ये तुम्हारा छोकरा है ना? हाँ जी, लड़का तो मेरा ही है। करता क्या है? अभी तो बिल्कुल बेकार है। आपकी नजर में कोई नौकरी हो तो दिलवा दीजिए इसे। इससे बड़ा मेहनती और ईमानदार है। आपका छोकरा? अरे बिल्कुल नालायक है। जिस सेठ के पास काम करेगा उसका तो दिवाला ही निकाल देंगे और बेरा ही कर्ज कर देंगे। क्यों हुआ क्या? हुआ मथा। जब यहाँ कुछ भी नहीं मिलता तो फिर इतनी लंबी लाइन क्यों? ये आज के लिए लाइन नहीं, परसों के लिए है भाई। बेटा, शहर में तुम्हें नवा नवा आया लागो छो। राजेश, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ क्यों लाए हो? सुनीता, तुमने रोमियो जूलियट की कहानी तो पढ़ी होगी? नहीं। नहीं? अच्छा तो फिर लैला मजनू के बारे में तो जानती होगी? नहीं। हाँ, हीरा राजा का किस्सा तो सुना होगा। वो भी नहीं पढ़ा। यानी तुमने प्यार की कोई कहानी नहीं पढ़ी? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सुनीता, मैं कहना यह चाहता हूँ कि जमाना बदल गया है। वो बेचारे गरीब छुप छुप के मिला करते थे, आज लोग खुलेआम राशन की लाइन में खड़े होकर दिन भर इत्मीनान से प्यार की बातें करते हैं और माँ बाप को इतराज नहीं। वो सोचते हैं बेटी चले गई राशन लाने के लिए। अच्छा ये बोलो, गांव में तुम हम ऐसे मिल सकते थे? अच्छा तो मेरे प्यार का पहला सवाल, तुम्हें यहाँ आने का आइडिया कैसा लगा? हा? अच्छा लगा। छोड़ के चले आए? सच्ची? शर्मा जी, गंगा बहन को लेकर हमारे यहाँ खाने पर आइए ना, वो भी तो आप ही का घर है। और फिर मेरी हेमा भी आपकी सुनीता की तरह कितनी सियानी हो गई है। एक साल पहले जब वो गांव में आपसे मिली थी, बस तभी से आप ही लोगों की गुण गाया करती है। बड़ी अच्छी लड़की है। पिछले साल जब मैं अपनी पढ़ाई खत्म करने के लिए स्विट्जरलैंड गई थी, वहां से मैंने तुम्हें इतने सारे खत लिखे, लेकिन तुमने किसी एक का भी जवाब नहीं दिया। क्यों? हेमा, मुझे यकीन नहीं था। यकीन नहीं था उन वादों के बाद जो हमने गांव के मंदिर में किए थे? नहीं, ये बात नहीं। तुम्हें करोड़पति बाप की बेटी और मैं गरीब स्कूल मास्टर का बेटा, तो क्या वो वादे तुम्हारे मेरे मम्मी डैडी ने किए थे? वैसे तो गांव में हम सब एक दूसरे के दुख सुख के साथी, लेकिन ये गरीबी अमीरी का रिश्ता ठीक नहीं होता। और आजकल के बच्चे, तुम तो जानती हो, गरीबी अमीरी का फर्क बर्दाश्त नहीं कर सकते। जात तेरी की इतनी छोटी सी बात? ये छोटी बात नहीं है मां, बहुत बड़ी बात है। बुद्धू कहीं का, चल मेरे साथ। कहां? चलना। Come on! याद है हम तुम गांव में किस तरह मिलते थे? वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। उन दिनों की यादों की खुशबू आज भी मेरे मन में बसी हुई है।
किसी के जो हुए न हो, तुम लबों के जो छुए न हो, मेरा दिल है खाली दिल मेरे नाम कर दो, दिल किसी को जो दिया न हो, दिल किसी से जो लिया न हो, नसीब को सवार दो, तुम फसाने को निखार दो, भरो लब की लाली दिल मेरे नाम कर दो, किसी को जो दिया न हो, किसी से जो से छल की जाए तुम्हारी जवानी, तुम वो कली हो जिस पे बहारें दीवानी, अंगों से छल की जाए तुम्हारी जवानी, तुम वो कली हो जिस पे बहारें दीवानी, मांगी तो होगी तुमसे किसी ने निशानी, मैं अगर तुम्हें भली लगी, मैं अगर कोई भली लगी, बनो मेरे माली मेरे नाम कर दो, तुम किसी के जो हुए न हो, लबों के जो छुए न हो, मेरा दिल है खाली दिल मेरे नाम कर दो, दिल किसी को जो दिया न हो, दिल किसी से जो लिया न हो, साहब ये क्या हुआ? क्यों सवाली, तेरे सवाल का क्या बना? दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक हारने वाले और एक जीतने वाले। Remember, the name is Pran. जाना
गर्दा गप करना भी क्या है? हाँ, वो भी ठीक है। क्या बात है? क्यों रही? ये सामने वाले चौल में तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं। मेरे रिश्तेदार? हाँ, सुबह तुम्हारी महारानी जी आई थी और अभी तक वही विराजमान है। What? क्या? Go and see if you can walk. आपको खाने पर आना ही पड़ेगा। अच्छा गोयल, तुम्हारी खुशी के लिए हम जरूर आएंगे। शर्मा जी, काश आपको अमीरों की तन्हाई का कुछ अंदाजा होता। हाँ हेमा, आखिर तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये क्या? आज ही हमारे घर फॉरेन से एक बहुत बड़ा चोरी आया। उसने हमें ये हार दिखाया और तुम याद आए। मैंने सोचा तुम्हारे लिए एक छोटा सा नजराना लेता चलूं। प्राण, ये किसी ऐसे को दो जो इसके साथ तुम्हें भी गले लगा रहे। मैं तो बचपन से ऐसे इतने हीरे देखती चली आ रही कि मुझे नफरत सी हो गई इनसे। मुझे तो अब कंकरों और पत्थरों से प्यार हो गया। हाँ डैडी, माय पॉकेट मनी। ऑफिस में जाओ और कैशियर से ले लो। गुड लक टू यू मिस्टर प्राण। देखा अंकल आपने, मैं फिर कहता हूं इसका जरूर उस लड़के के साथ रोमांस है। प्राण, हेमा मेरी बेटी है, थोड़ा सा पागलपन है उसे मैं दूर कर दूंगा। तुम संडे को पार्टी में आओ और उसका दिल जीतने के लिए कोई और सूरत सोचो। शर्मा जी, हेमा हमेशा आप ही लोगों की तारीफ किया करती है, इसीलिए मैं आपको सीधे यहीं ले आई। हेमा, तुम इन लोगों के साथ बातें करो, तब तक मैं रवि को और लोगों से मिला लाऊं। हाँ, अच्छा जी, चलो चलो वहां चलते। रवि, चलो बैठिए ना चाचा जी, बैठिए। हेलो श्रीथात, ये बच्चे किसके हैं? मेरे ड्राइवर के हैं। जब भी घर में अकेली होती हूँ इन्हीं से जी बहलाती हूँ। बड़े प्यारे हैं। तुम पार्टी में नहीं जाओगी? जी नहीं, वहां तो बड़े बड़े डीन मास्टर आए हुए हैं, उनकी लंबी चौड़ी बकवास सुनकर मैं तो बोर हो जाती हूँ। बातचीत करो, बड़े बड़े करोड़पति आए हैं पार्टी में। शर्म नहीं आती तुमको? पति होकर भी ऐसी बातें करते हो? अरे एक तक पी लो, सारी शर्म दूर हो जाएगी। जानती हो अजीत प्रसाद जब इस शहर में आया था क्या था उसके पास? बस तुम्हारे जैसी एक खूबसूरत बीवी। जाओ भी ना। मिसेज नटकर्णी, पार्टी में आपके हस्बैंड नजर नहीं आए, कहाँ है? 6 महीने से बिस्तर में पड़े, हिल नहीं सकते। क्या हुआ? लकवा। ओह आई एम सो सॉरी। अगर आप बुरा नहीं माने तो पार्टी के बाद मैं आपको घर छोड़ दूं। घर? रवि, ये है अमीरों की दुनिया जिसका तुम सपना देख रहे। अब मैं तुम्हें उन लोगों को दिखाऊं जो अमीर बन चुके हैं। वो जो सिगार पी रहे हैं ना, वो 10 करोड़ के मालिक हैं। उनकी बीवी एक नौजवान के साथ उनके 50 लाख रुपए लेकर भाग गई और वो नौजवान उसे धोखा देकर भाग गया। आखिर उनकी बीवी ने आत्महत्या कर ली। रही उनकी इकलौती बेटी, वो उनके ड्राइवर के साथ भाग गई। लेकिन इसमें कोई शक नहीं रही कि ये अब भी 10 करोड़ के मालिक हैं। अरे बड़ी तुम वकील हो या हजाम? अब तक मेरे वाइफ के खिलाफ केस दाखिल नहीं किया? आपकी वाइफ तो सर 5 साल पहले मर चुकी है। अरे मर चुकी तो अच्छा हुआ, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। ये केस फाइल होगा, जरूर होगा। उस आदमी को देख रहे हो ना जो कोने में पीछे बैठा हुआ है? जवानी में ही बीमारियों ने उसे बूढ़ा बना दिया था।
आंखें जा चुकी हैं, देख नहीं सकता, लेकिन क्लास में विस्की भरवा कर सामने जरूर रख लेता है। दौलत इसके किसी काम की नहीं रही, लेकिन दौलत के नशे का खुमार आखिरी दम तक नहीं उतरता। बोलो, अब भी अमीर बनना चाहोगे? आओ, अब तुम्हें मैं ऐसी हस्ती से मिलाऊं जिसकी मेहरबानियों से कितने ही लोग अमीर बन चुके हैं। आओ। जो इक्के का कलर, इक्के का कलर तो मेरे पास भी है, मगर सात के पत्ते जरा छोटे। दिखाइए। सात में सिर्फ ये दुगी और तिगी। यानी एक दो तीन। ले जाओ, ले ले। जो साहब, आप बार बार जीत जाते हैं, हम कभी नहीं जीतते। मियाँ, जुआ जवारियों की तरह खेलोगे तो कभी नहीं जीतोगे, और मेरी तरह बिजनेस समझकर खेलोगे तो कभी नहीं हारोगे। अरे मोरी, तुम देर से क्यों आया? आज मेरे घर में फिर पुलिस का रेट पड़ गया था। समझ में नहीं आता, मैं तो काला धंधा बिल्कुल करता ही नहीं, लेकिन रेट हर महीने पड़ जाता है। तुम काला धंधा नहीं करते इसलिए तो रेट पड़ जाता है। तुम जुर्म ना करो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें सजा भी ना मिले। आखिर कानून किस लिए बने? इतने डिपार्टमेंट किस लिए खुले हुए? जोर साहब, आपने तो बात ही एकदम हंसी में डाल दी। गवर्नमेंट ने तो एकदम तंग कर दिया है। जिधर देखो रेट, रेट रेट है। अरे हम अमीरों को अपनी गवर्नमेंट बनानी चाहिए। हमारे पास माल है, हम करोड़ों वोट खरीद सकते हैं। That's right. इससे बड़ी बेवकूफी की बात मैंने आज तक नहीं सुनी। अरे भाई जरा सोचो तो, ऐसी अच्छी गवर्नमेंट हमें और कहाँ मिलेगी? हमारे जैसे अमीर लोग हर तरह का काला धंधा करते, माल छुपा लेते हैं, कीमतें बढ़ा देते हैं, इनकम टैक्स एक रुपए का नहीं देते। वो कौन सा काला धंधा है जो हम नहीं करते? फिर भी सोसाइटी में हर जगह हमारी इज्जत है। बड़े बड़े लोग हमारे घर पार्टियां खाने के लिए आते हैं, बड़ी बड़ी कमेटियों के हम सदर और प्रधान बनाए जाते हैं, बड़े बड़े हमें खिताब दिए जाते हैं। ऐसी गवर्नमेंट को बदलना खुदकुशी करने का बराबर है। मगर मुझे तो बताइए मैं क्या करूं? मैं तो रोज बताता हूं भाई, काला धंधा करो, और सुनो एक बात और, अखबार पढ़ा करो। वो तो मैं रोज पढ़ता हूं। ध्यान से पढ़ा करो, हर रोज खबर निकलती है, आज 2 लाख का माल पकड़ा गया, 4 लाख का पकड़ा गया, 10 लाख का पकड़ा गया, मगर माल वाले स्मगलर नहीं पकड़े गए। वो ना पकड़े जाने वाले स्मगलर यहां बैठे हैं और रेट तुम्हारे घर पर पड़ता है। लेकिन जौहर साहब, कुछ अफसर ऐसे भी हैं जो कमबख्त ईमानदारी को छोड़ते ही नहीं, ऐसी सूरत में क्या किया जाए? मेरे दोस्त, मंजिल पे पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं। जो अफसर ईमानदारी के रास्ते से नहीं हटता, तुम उसके रास्ते से हट जाओ, अकेला बैठा बैठा बोर हो जाएगा। Darling, are you winning again? You're so sweet. तुम फिर आ गई। जब से मैंने इसे डिवोर्स दिया है, ये मुझे ज्यादा ही चाहने लग गई। माई डियर एक्स मिसेज जौहर, मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी अगली मंगनी के अनाउंसमेंट तुम्हारे ही मुंह से करवाऊंगा। गुड बाय। Oh, wonderful. Oh, hello. माफ कीजिए जौहर साहब, एक मिनट दे सके क्या आप? खास काम है। अजी खास काम के लिए एक मिनट तो क्या, एक जिंदगी भी दे सकेंगे? फरमाइए। ये है वो लड़का रवि। अच्छा तो ये खास काम है। रवि, तुम कभी भी मेरे दफ्तर चले आना, मैं तुम्हें तमाम गुप्त ज्ञान दे दूंगा। श्यामा। हाँ? पार्टी के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? हाँ? अच्छा तुम लोग बैठो, मैं जरा अजीत प्रसाद से मिलकर आता हूँ। हाँ बेटी हिमा, नीचे हॉल में जाने का रास्ता किधर से है? पिंकी बेटे, हॉल का रास्ता बताओ। तुम इसे यहाँ मेरे मेहमानों से मिलाने लाई? कौन लंगर चला रहा है अंकल? माफ कीजिए, आपके कोई रिश्तेदार तो नहीं लगते हैं ना? हाँ
चाहिए तो आपको जौहर साहब कुछ मिलना चाहिए। He's the right man for you. अरे अजीत, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? अरे तुम शराब भी पीते हो? मास्टर जी, मौका माहौल देखकर बात करनी चाहिए। ये आपके गांव की चौपाल नहीं, रईसों की पार्टी है। यहाँ शराब नहीं तो क्या दूध पिया जाएगा? मास्टर जी बने फिरते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। हो मास्टर जी, जय हो गुरुदेव, प्रणाम हो। अजीत प्रसाद जी, जब तक मैं आपके हैसियत के बराबर नहीं हो जाऊं, इस घर में कदम नहीं रखूंगा। चलिए पिताजी, आप बाहर इंतजार कीजिए, मैं मां और सुनीता को लेके आता हूं। Well, sorry, but the party's over. अंकल, ये आपका घर था इसलिए मैं चुप बैठ गया, वरना मैं इसकी ऐसी की तैसी फेर देता। I understand. Okay, forget it. Good night. Good night. See you. चलो माँ, कैसी रात का जिंदगी से इंतजार कर रहे हैं? ऐसी भी क्या जल्दी है? हे माँ, हमें घर जल्दी जाना है, चलिए। खाना भी नहीं खाया इन्होंने। माफ कीजिए शर्मा जी, मुझे पता होता तो मैं आपको इस घर में कभी नहीं बुलाती। गौरी, अजीत का कोई कसूर नहीं। दौलत बुरी चीज है, शराब बुरी चीज है। दीदी, बाबूजी ने मास्टर जी को बहुत डांटा। क्या? चलो बच्चों, अब घर चलते हैं। शंकर, कोई बात हुई है क्या? जी बीबी जी, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। हे भगवान, मुझे क्यों इस घर में जन्म दिया? मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे और मेरे दरमियान सिर्फ एक ही रिश्ता है, नफरत। तो इसका मतलब है तुमने उस स्कूल मास्टर और उसके परिवार को इस नफरत को भड़काने के लिए यहां बुलाया था? जिस नफरत की आग में बरसों से मेरी जिंदगी जल रही है, उस नफरत की आग में मैं अपनी बेटी की जिंदगी नहीं झोंकूंगी। मैं मां हूं, मां। मेरी तमन्ना है कि मैं अपनी बेटी को खुश देखूं। तो तुम ये समझती हो ये करोड़पति की बेटी उस गरीब स्कूल मास्टर के घर में रोटियां बनाएगी और खुश रहेगी? वो गरीब नहीं है अजीत प्रसाद, वो गरीब नहीं है। वो तो हमसे कई गुना अमीर है, क्योंकि उसका दिल इंसानियत की दौलत से भरा हुआ है। इंसानियत की दौलत से जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। रवि के पास गरीबी के सिवा रखा ही क्या है? उसके पास इज्जत की दौलत है। उसने अपने बाप की इज्जत की खातिर तुम्हारी परवाह नहीं की, तुम्हारी दौलत की परवाह नहीं की, अपनी मोहब्बत की परवाह नहीं की। वो तुम्हारी तरह नहीं है अजीत प्रसाद। एक वो वक्त था, जो तुम चाहते थे वही होता था। एक ये वक्त है, जो मैं चाहूंगी वही होगा। वक्त हमसे है, हम वक्त से नहीं। अब भी वही होगा जो हम चाहेंगे।
ये क्या है रे, ये क्या है? फिर ऐसा करेगा, फिर ऐसे खेल खेलेगा? वहाँ जाके ये करतू सीखते हो, अच्छा नाम करोगे, अच्छा नाम करोगे। अरे क्यों मारती हो बच्चों को? तुम चुप बैठो जी, खबरदार जो इस वक्त इनको बचाया। लेकिन हुआ क्या है? तुम मेरे बच्चों का सर्वनाश कर रहे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मालिक की कोठी पे मेरे बच्चों को मत ले जाया करो। कान खोल कर सुन लो, मुझे अपने बच्चों को मालिक के बच्चों जैसा नहीं बनाना है। ये जो वहाँ देखते हैं वही यहाँ करते हैं। आज ये झूठ मूठ शराब पीने की नकल कर रहे थे, कल ये पक्के शराबी बन जाएंगे। कल जैसे साहब ने मास्टर जी की बेइज्जती की, वैसे ही कल ये बड़े होकर हमारी बेइज्जती करेंगे। हमारी अकल मारी गई थी जो गांव छोड़कर यहाँ चले आए। रवि ने तो हमें कहीं का नहीं रखा, न घर का न खाट का। गंगा, हम बूढ़े हो चुके हैं इसलिए जिंदगी से डरते हैं। रवि जवान है, वो जिंदगी से नहीं डरता। और कल रात जो उसने स्वाभिमान का सबूत दिया, वाह, उस पर तो तुम्हें फख्र करना चाहिए। एक आप है जो अपने बेटे को क्या समझते हैं, एक गौरी बहन का घर वाला है जो अपने देरी से बेटे को क्या समझता है। ये क्या कर रही है? जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं आपकी पैर नहीं छोड़ूंगी। किस बात की माफी? डैडी ने जो बाबूजी के साथ सलूक किया, पीने के बाद मुझे होश नहीं रहता। बेटी हो तो ऐसी, अगर आज के बच्चे माँ बाप का सम्मान ऐसे ही करें तो देश का भविष्य उज्ज्वल हो जाए। मैं चाय पीऊंगी, अभी लाती हूँ। सुनीता और रवि कहाँ हैं? ओ हेलो सुनीता। नमस्ते दीदी, कैसी हो? इतने पास रहती हो फिर भी घर नहीं आती? चलो आज से तुम्हें मेरे घर चलना ही पड़ेगा। अच्छा, मनी, थैंक यू। ये लीजिए मेरी तरफ से 10,000 रुपए की छोटी सी भेंट। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जौहर साहब, हम लोग बहुतों के पास गए, किसी ने गरीब विधवाओं के लिए 100 रुपया भी नहीं दिया और आपने 10,000 रुपए दे दिए। मैडम इस गलत फहमी में मत रहिए, मैंने ये 10,000 चैरिटी के लिए नहीं दिया, आपकी सुंदर सूरत देखकर दिया। आमीन, इतने सच बोलने की क्या जरूरत है? Mr. Johar, what does the IS in front of your name stand for? Madam, IS Johar ka matlab hai Income Tax Saving Johar. Does that mean that you've never been to an income tax office? Main wahan kyun jaunga? Lene walon ko dene wale ke daftar aana chahiye ya ki dene wale ko lene walon ke daftar jana chahiye? Income tax walon ko jab business ka itna chota sa asool maloom nahi hai, to wo itna bada dhanda kaise chala sakte hain? Aapke crorepati hone ka raaz kya hai? Wohi jo har kamyabi ka raaz hota hai. मेडिटेशन, तपस्या। लेकिन तपस्या तो देवी देवताओं या भगवान की होती है। मैडम पैसे से कोई बड़ा भगवान नहीं, भगवान को पैसा बनाता है, पैसे को भगवान नहीं बनाता। जौहर ने नया मंदिर बनाया ये तो आपने सुना होगा, लेकिन किसी मंदिर ने एक नया जौहर बनाया ये कभी नहीं सुना। How nasty! मगर कई अमीर लोग कहते हैं दौलत तो सुख और चैन के दुश्मन है। अगर ऐसा है तो फिर वो अपनी दौलत त्याग कर सुख और चैन हासिल क्यों नहीं कर लेते? अगर आप दौलत को इतना अच्छा समझते हैं तो दुनिया दौलतमंदों को इतनी नफरत की निगाह से क्यों देखती है? हारने वाले जीतने वालों को नफरत की निगाह से नहीं तो क्या प्यार की निगाह से देखेंगे? Here's your receipt. श्यामा, तुमने मेरे साथ रहते हुए भी कुछ नहीं सीखा। दो नंबर के रुपए का दान गुप्त दान कहलाता है। Keep the receipt. Thank you. चलो बेटा, चले। Come along, girls. Bye. बाय। अच्छा जोर साहब, मेरा टेलीफोन नंबर 5345 थैंक यू, कांटेक्ट यू। यानी आप सांता क्लूज में रहती हैं? अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको घर छोड़ रहा हूँ। मिनी, यू मे गो होम नाउ and be good.
हाँ तो रवि, क्योंकि गौरी ने तुम्हारी सिफारिश की है इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। थैंक यू। मगर पहले इस सवाल का जवाब दो कि तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? सर, अपने परिवार के लिए, माँ बाप के सुख चैन के लिए और मेरी बहन की शादी के लिए। तुम अमीर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुनियाद ही गलत है। जी मैं समझा नहीं। यही तो समझा रहा हूँ। अमीर बनने के लिए पहला असूल ये है कि आदमी का कोई असूल ना हो। जी जी, पहले तो ये भूल जाओ कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार है या तुम किसी के रिश्तेदार। दौलत का रिश्ता सिर्फ दौलत से होता है। दौलत के लिए बेटा बाप को मार डालता है, भाई भाई का गला घोंट डालता है और बीवी शौहर को तलाक दे डालती है। अमीर बनना चाहते हो तो अपनी हर कीमती चीज को दांव पे लगा दो, चाहे वो तुम्हारी बहन या तुम्हारी माँ ही क्यों ना। लेकिन जौहर साहब, ये तो बहुत बुरी बात है। मेरे अजीज, गरीबी से ज्यादा कोई बुरी बात नहीं। जब आदमी गरीब होता है तो दुनिया उसकी ऐसी बातों को बुरा मानती है, मगर वही आदमी जब अमीर हो जाता है तो वही दुनिया उसकी उन्हीं बातों को उसका स्टाइल मानने लग जाती। बहन भाई और माँ बाप का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे ही करना चाहिए जैसे खाने से भरी हुई प्लेटों का किया जाता है। खाना खा लो और खाली प्लेटें हटा दो। लेकिन आप मेरी मदद करेंगे ना? करूंगा, क्योंकि आज तुम्हारी मदद करते हुए मेरा मतलब निकल सकता है। मगर याद रखो, जिस रोज तुम्हें नुकसान पहुंचाकर मेरा मतलब निकलने लगेगा तो उस रोज मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने से भी बाहर नहीं आऊंगा। समझ गए? जी हाँ, मैं समझ गया। शाबाश, तुम जल्दी अमीर बन जाओ। तो सबसे पहले रिश्वत देने के लिए कहीं से 10,000 रुपए हासिल करो, मैं तुम्हें 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूंगा। जी मगर मैं 10,000 कहां से? मुझे अगर मगर सुनने की आदत नहीं है। मैं 10,000 लाऊं। गुड, यू मे गो नाउ। जाइए, अब आपकी बारी है। देखो, ये घबराना शर्माना छोड़ दो, मेरी किस्मत तो तुम्हारे हाथ में। देखो जोर साहब की तरह पैसे बातें करना। हाँ चलो। हेलो रवि, आमने सामने रहते हैं, पड़ोसी हैं, फिर भी नजर नहीं मिलाते। बड़े परेशान से नजर आ रहे हो। जोहर साहब से मिलकर आ रहे हो क्या? हाँ। अरे हमारे साथ चलो, ऐसा कौन सा काम है जो जोहर साहब कर सकते और हम नहीं कर सकते? Come on, get in. Have a drink. मैं नहीं पीता। दौलत के रिश्ते शराब से ही जोड़े जाते हैं। Come on. ना तो हुस्न का किया नजारा, ना कोई जाम पिया, तुमने इस दुनिया में आके अरे भी we
बदतमीजी करते हो, आज तक कोई लड़की मेरे हाथ से बच के नहीं गई, समझे तुम? ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, बिचारी नाच रही थी, आप इसको छोड़ दीजिए। ये लो, छोड़ दी। मास्टर जी के बेटे, क्या ये तेरी बहन लगती है क्या? चमचे से लड़वाता है कमीने। नहीं चाहता मैं तो अपना फर्ज। तुम अपने फर्ज की कीमत लेने मेरे कमरे में आए हो? ये क्या कह रही हैं आप मेम साहब? फर्ज आप अपनी कीमत होता है, ये कीमत दूसरों से ली नहीं जाती। हर मर्द अपने दिले ही का सबूत दिखाकर औरत से क्या चाहता है कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ। यहाँ लोग इज्जत बचाने के बदले इज्जत लूटने आते हैं। ये आपके शहर वालों का दस्तूर होगा, हम गांव वालों का नहीं। जब औरत के जिस्म से कपड़े का पर्दा हट जाता है तो शहर वालों और गांव वालों में कोई फर्क नहीं रह जाता। आप उनकी बात कर रही हैं जो आपकी जलील सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं, उन गांव वालों का नहीं जहां हर लड़की पूरे गांव की बेटी होती है और उसकी इज्जत के लिए वो जान देना जानते हैं। अगर आपको मैं उन बदमाशों से बचा नहीं पाता मैं अपने आप को दुनिया का बुजदिल तरीन इंसान समझता हूं। अगर आप इतने अच्छे इंसान हैं जितने लग रहे हैं तो ऐसी जगह पर आए ही क्यों जहां दौलत की हवस से कोई इंसानियत के नाम पर बात नहीं करता, रूप और जवानी के लिए जहां खजाने खुल जाते हैं। मैं राह भटक गया था लेकिन अब मैं जान गया हूं कि जहां मुझे जाना है वहां के लिए ये रास्ता है। खैर चलिए मैं आपको हिफाजत से घर छोड़ दूं। हम जैसी औरतों का घर कहां? सुबह कहीं, शाम कहीं, दिन कहीं, रात कहीं। जाइए, हम जैसी औरतों पर रहम खाकर बड़े लोगों से दुश्मनी मोल मत लीजिए। शुक्रिया, मैं आपकी इंसानियत की कर्जदार हूं। ये लो रवि, तुम लाखों में एक हो, इनमें से किसी के साथ रहोगे तो दौलत तुम्हारे कदम चूमे। मैं ऐसी दौलत को अंकल, अगर मैंने मास्टर के लड़के की हड्डी फसली न तुड़वा दी तो मेरा नाम प्राण नहीं,
गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। गांव से उसे यहां उसकी मौत लाई। अगर इस तरह से उसके हाथ पांव तोड़वा दिए तो हेमा और गौरी समझ जाएंगे कि ये सब कुछ हमने करवाया है और इससे मुझे नुकसान होगा। अंकल आखिर आप अपनी बीवी से इतना डरते क्यों हैं? प्राण, मुझसे गलती हो चुकी है। मेरी सारी जायदाद गौरी के नाम पर है, हेमा उसकी वारिस है, मैं सिर्फ सरप्रस्त हूं। अंकल आपने ये अकलमंदी नहीं की। मैंने अपनी जायदाद उसके नाम पर लिखी, अपनी अकल नहीं। घबराओ नहीं, हेमा की शादी तुम्ही से होगी। हेलो हेमा। आखिर तुम आ गए, कितने दिनों से मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ। क्या डैडी की की सजा तुम मुझे दे रहे हो? हेमा तुम जानती हो तुम्हारे पिताजी हमारा मिलना जुलना पसंद नहीं करते। क्या तुम डैडी से डरते हो, मुझसे मोहब्बत नहीं करते? करता हूँ लेकिन। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अब चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो, मुझे 10 बजे से पहले वहाँ पहुँचना है। आज तो मैं अपनी असलियत दिखा दूँ। You are late. Come here. Paul, Paul, kya chala gaya tha tum? Mere ko pill de jaldi. Take it easy, baby. Take it easy. Here is your pill. Come on, go, go and swing. Come on. हेमा, ये तुमने क्या लिया? सारी परेशानियों से दूर होने की एक दवा। हेमा, ये तुम क्यों लेती हो? अपने माहौल से तंग आकर मैंने इस नशे को अपनाया है, जैसे तुमने अपने माहौल से तंग आकर इस अमीरी के नशे को अपनाया है। हेमा, ये बुरी चीजों से छोड़ दो। ये मेरे बस का रोग नहीं है, लेकिन इसे तुम छुड़वा सकते हो। कैसे? मुझसे शादी कर लो ना। हेमा, कुछ दिन और इंतजार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। आप समझते क्यों नहीं पिताजी, हमारे और अमीरी के दरमियान सिर्फ 10,000 का फासला रह गया है। रवि, जरा समय से काम लो, ये शहर का मामला है, यहाँ आदमी आदमी को खाता है। हमारी जिंदगी की जमा पूंजी सिर्फ 10,000 ही तो रह गई है, अगर ये भी हाथ से निकल गया तो क्या करेंगे? परदेश में कहां जाएंगे? पिताजी, आप मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। जौहर साहब तो करोड़पति आदमी, आप समझते हैं 10,000 रुपये उनकी नियत खराब हो जाएगी? पिताजी, 10-12,000 तो वो ऐसे ही आलतू फालतू खर्च कर डालते हैं। जो जी न्याय करो, ये पैसे सुनीता की पढ़ाई के लिए रखे हैं, इनमें से मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। माँ, आप लोग हमेशा निराशावादी ही रहेंगे, भैया के पीछे ही पड़े रहते हैं। मेरा मेडिकल कोर्स शुरू होने में तो अभी काफी देर है, जब तक तो भैया इससे भी ज्यादा आपको वापस कर देंगे, है ना भैया? तुम लोग कहते हो तो ठीक ही होगा, मैं तुम लोगों के आशावाद में रुकावट नहीं बनना चाहता। ये लो चाबी, अलमारी में रुपए रखे लो। हाँ भाई, शादी और क्यों नहीं करूंगा। अरे भाई, शादी तो खाना आबादी होती है ना, तो खाना तो आबाद होता ही रहना चाहिए। हाँ, मगर लड़की कौन है? मिस एशिया चलेगी, मगर लड़की की शर्तें क्या हैं? 2,00,000 रुपया पहले से उसके नाम कर दिया जाए, दैट्स रीजनेबल। बल्कि 2,00,000 रुपया और भी डाइवोर्स के लिए उसके नाम कर दूंगा। हाँ भाई, डाइवोर्स का फैसला भी पहले ही हो जाना चाहिए ना। क्या कहा, डाइवोर्स कब होगा? बस 2 साल में। अरे भाई, सच्ची बात तो यह है कि 2 साल में बीवी की चमड़ी भैंस के चमड़े की तरह नजर आने लगती है। हाँ हाँ, तो
सेटल कर दो। कमिश्नर। अरे भाई अंदर आके पूछ रहे हो, मैं आई कम इन। आओ। चौर साहब, मैं वो 10,000 रुपए ले आया। अब बताइए क्या करना है। तुम्हें अब कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है मुझे ही करना है, बल्कि कर दिया है। मिनी, प्लीज टेक दिस मनी। तुम कल यहां आकर मिनी से ये रुपए लेकर इस एड्रेस पे चले जाओ, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। आई वुड लाइक टू थैंक यू सर। डोंट वेस्ट योर टाइम इन इमोशनलिज्म। गुड लक। तुम्हें ये लड़का पसंद है ना? अब कुछ ही दिनों में मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, दौलत और शोहरत मेरे कदम चूमेगी। क्या हुआ, तुम बोलती नहीं? छोड़ दूंगी
मुझे तुमसे कुछ कहना है। डैडी इस वक्त तो आप अपने नशे में हैं और मैं अपने नशे में। ये तो ना आपके कहने का वक्त है और ना मेरे सुनने का वक्त। मगर तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। तो कह डालिए ना। आज मैंने तुम्हें रवि के साथ देखा है, आइंदा मैं कभी तुम्हें उसके साथ नहीं देखना चाहता। जी, लेकिन डैडी मैं तो चाहती हूँ कि जिंदगी भर आप मुझे रवि के साथ ही देखते रहे। खामोश! तुम नहीं जानती, रवि तुमसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करता है। अजीत प्रसाद की बेटी की शादी भूख के नंगे लोगों के घर पर नहीं, एक रईस खानदान में होगी। ये मत भूलो कि हमने तुम्हारी शादी प्राण जैसे करोड़पति के साथ तय की है, जिसकी सोसाइटी में इज्जत भी है और करोड़ों की दौलत भी है। दौलत, दौलत, दौलत! आपने सिवाय दौलत के मुझे दिया ही क्या है? क्या जिंदगी में दौलत ही सब कुछ है? आपने मुझे दौलत में पैदा किया और आज आप इसी दौलत में मुझे बेचना चाहते हैं। डैडी, माँ बाप का फर्ज सिर्फ औलाद को पैदा करना ही नहीं होता, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाने का भी होता है। और अच्छा इंसान दौलत से नहीं बनता, प्यार से बनता है। काश कि मैंने गरीब माँ बाप के घर में जन्म लिया होता, जहाँ मुझे थोड़ा सा प्यार मिलता, जहाँ मुझे एक हिंदुस्तानी लड़की बनने के आधार समझाए जाते, जो आपने नहीं समझा है। मैं अपना बुरा भला खुद समझ सकती हूँ। मुझे नफरत है आपकी दौलत से, और मैं रवि से प्यार करती हूँ और उसी से प्यार करती रहूंगी। गुड नाइट। मुझे नफरत है आपकी दौलत से, मुझे नफरत है आपकी दौलत से। नशा गिरगिरा मत करो अजीत प्रसाद, यहाँ आओ और मुझे एक बड़ा सा ग्लास बना के दो। नहीं देखो कैसा वक्त आ गया है अजीत प्रसाद, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं रही। ये माँ अपने डैडी को नहीं कहा, मैं स्कूल मास्टर के बेटे की जिंदगी तबाह करके रख दूंगा। आइए 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 जवाहर साहब आइए। आने वाले तो आ गए, मगर आने वालों के साथ जाने वाले कहाँ हैं? अभी पेश करता हूँ, तशरीफ तो रखिए, पहले काम बताऊं या रिश्वत पेश करूं? अजीत प्रसाद, रिश्वत तो काम के मुताबिक ही होती है, पहले काम बताओ। किसी तरह से रवि को बर्बाद कर दीजिए, मेरी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी और मेरी बढ़ जाएंगी। अजीत प्रसाद, रवि तुम्हारी बीवी गौरी की सिफारिश है। जानता हूं, और मेरी सिफारिश ये है। तुम्हारी सिफारिश बढ़ चढ़कर, तो रवि बर्बाद हो जाएगा ना? क्यों नहीं, ये तो कुदरत का कानून है। जब एक आबाद होता है तो उसके बदले में दूसरा बर्बाद होता है। एक्सक्यूज मी, जौहर साहब है? जौहर साहब है, आइए। जौहर साहब कहाँ है? जौहर साहब नहीं है। क्या कहा ना? जौहर साहब नहीं है। अरे क्या कर रही हैं आप? घबराते क्यों हो? जौहर साहब नहीं है। कहाँ गए? कह दिया ना नहीं है। लेकिन पैसे? मैं पैसे कहाँ मांग रही हूँ? अरे भाई मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ। बढ़िया, अभी लाती हूँ। ये लो। ये कभी तरक्की नहीं करेगा। hmm.
मिस्टर रॉय। यस। मैं हूँ रवि शर्मा। ओ मैं आपके लिए 10,000 रुपए लेके आया। किस लिए? वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, आप मुझे दिलवा दीजिए। ये छोटी सी गेट। यानी तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? जी। मिस्टर रवि, तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली गई हैं। हवलदार, पंचनामा तैयार करो। जी जरूर। पिताजी, भैया रिश्वत के इल्जाम में पकड़ा गया। क्या? अंकल, आपने तो साले की छुट्टी कर दी। अदालत रवि शर्मा को इंडियन पीनल कोड दफा 165A के मातहत रिश्वत देने के जुर्म में 6 महीने कैद बामुशक्कत की सजा देती है। हंसो मत अजीत प्रसाद, तुमने जो चाहा सो कर लिया। लेकिन याद रखो, ये अंत नहीं, शुरुआत है। रवि, तुम अभी मुझसे प्यार करते हो ना? जब तुम इस नर से बाहर आ जाओगे तो मुझे अपने नर से बाहर ले चलोगे ना? अगर तुम चाहोगे तो। मैं तो हमेशा से ये कहती चली आ रही हूँ, फिर ये तो नहीं कहोगे कि अमीर बनने तक इंतजार करो? नहीं, अब मैं ये नहीं कहूंगा। अमीरी इंतजार कर सकती है, प्यार नहीं। एक वचन दोगी? पूछने की जरूरत है? तुम वो नशे की गोलियां लेना छोड़ दो। मेरी मांग में भर दो, इसके सहारे में नशा करना छोड़ दूंगी। आज रात को 10 बजे मेरी याद से कह देना, हेमा मैं तुमसे मोहब्बत करता। कहोगे ना? हाँ। मम्मी, आज मैं रवि से मिलने गई थी जेल में। मैंने उससे कुछ वादे किए हैं जो मैं अकेली पूरे नहीं कर सकती। मुझे भगवान की मदद की जरूरत है। मैं इस घर में भगवान की मूर्ति ढूंढ रही हूँ। जिस घर की बुनियाद शराब के पानी और दौलत की ईंटों पर रखी गई हो, उस घर में भगवान के लिए जगह ही कहाँ? मैं तेरी माँ हूँ, मुझे बताओ मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं माँ, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। तारा, भगवान के लिए मुझे भगवान की मूर्ति के पास ले चल। मैंने सारा घर छान मारा है, मुझे इस घर में कहीं भी भगवान की मूर्ति नहीं मिलती। क्या बेबी जी, तुम्हें कहीं दर्द होता है क्या? कुछ मत पूछ तारा, सारा बदन दर्द के मारे टूटा जा रहा है, मैं मर ही जा रही हूँ। चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चल। डॉक्टर नहीं,
सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ तारा, सिर्फ एक बार मुझे भगवान की मूर्ति के पास ले चल। हम मजबूरों का भगवान हमारे ही मन मंदिर में होता है बीवी जी, उसी से प्रार्थना करो। अंकल आपके कांटे का कोई इलाज नहीं। छोड़ दो, तुम छोड़ दोगी ना? मुझे यकीन है तुम छोड़ दोगी। मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना हेमा, मेरा इंतजार करना, करोगी ना? हेमा बेटी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो हेमा, हेमा दरवाजा खोलो, हेमा हो रहा था हेमा, ये क्या हालत बना रखी है तूने? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी चिंता छोड़ दो, ये बताओ तुम शराब क्यों नहीं छोड़ देती? जिस दिन तुझे ये मालूम हो जाएगा कि मैं शराब क्यों पीती हूँ, तू मुझे माफ कर देगी। मम्मी रवि जब जेल से छूट कर आ जाएगा, मैं उसके साथ इस शहर से बहुत दूर कहीं चली जाऊंगी। क्या डैडी से नुकसान पहुंचाएंगे? खबरा नहीं बेटी, तेरी मां के जीते जी अजीत प्रसाद कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। रीता जी मैं क्या करूं, मेरा जी घबरा रहा है। वो सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए शर्मा जी, लड़की का बाप होने के नाते आपसे ये कर्जा लेते अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, इंश्योरेंस का मामला है। अगर कल मुझे कुछ हो गया तो गंगा और सुनीता के लिए कुछ आसरा तो होना चाहिए। शर्मा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, अभी तो बच्चों की शादी देखनी है आपको,
लीजिए लीजिए, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, पहली दफा तो आपने मौका दिया खिदमत करने का। इजाजत दीजिए, ट्यूशन में देर हो रही। अच्छा सुनो, मास्टर जी से तभी से बात करना, समझी? मम्मी यू आर सो स्टुपिड, हर वक्त अच्छाई बुराई के लेक्चर दिया करती हो, तुम्हें तो बस और कुछ आता ही नहीं। माँ से ऐसी बातें नहीं किया करते बेटा, छोटों को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो उम्र में बड़े हैं, इज्जत के काबिल बन गए? यही तो दुनिया ने सबसे बड़ी गलती की है, इज्जत तो जाहिलों को पढ़े लिखों की करनी चाहिए। मैं अपनी मम्मी से ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, वो छह बच्चों की माँ तो बन गई, मगर प्यार और सेक्स के बारे में मैं जानती हूँ। बस बीमार पिताजी को छोड़कर हर पार्टी में चली जाती हैं और मुझ पर चिल्लाती रहती हैं, बेशर्म लड़की, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरे भी अपने डिजायर्स और अर्जेस हैं, वो उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं करती। अगर मास्टर जी आप अपने बेटे की उमंगों और ख्वाहिशों को समझ पाते तो आज आपका बेटा जेल में नहीं बैठा होता। मास्टर जी, चरित्र कैसे बनता है, बुजुर्गों के खून से या माहौल से? बुजुर्गों के खून से। तो फिर आपके बेटे का चरित्र ऐसा क्यों बना कि आज वो जेल में? माहौल। मास्टर जी तो चकरा गए। He's too old fashion. ये 20वीं सदी के नहीं 19वीं सदी के हैं। He's too old fashion. ये 20वीं सदी के नहीं 19वीं सदी के हैं। शर्मा जी, शर्मा जी, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं, तेरा चक्कर आ गया था। आइए मैं आपको घर छोड़। तुम क्यों तकलीफ करती हो, मैं चला जाऊंगा। आइए ना, चलिए। कुछ नहीं, ऐसे ही जरा चक्कर आ गया था। गौरी बहन की नजर नहीं पड़ती, न जाने आपको क्या हो जाता। जब से गांव से आया हूँ गंगा, चलने की आदत ही नहीं रही ना, उस जरा पानी पिलवा दो। अभी लाए। मास्टर जी, पूरा ना माने तो एक बात कहूँ? कहो। मुझे आपके हालात का पता है, आप ये रख लीजिए, फिर कभी लौटा दीजिएगा। गौरी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन ले देखे एक स्वाभिमानी तो रह गया मेरे पास, उसे मत छीनो, मत छीनो उसे। गौरी बहन कहाँ गई? गौरी तो चली गई। आखिर हुआ क्या, आपको चक्कर कैसे आ गए? गंगा, वक्त हमें छोड़ के बहुत दूर निकल गया, जमाने को हमारी जरूरत नहीं रही। लेकिन हुआ क्या? आज ट्यूशन का पहला दिन था ना, बच्चों ने प्रश्न पूछा तो मेरे पास उनका उत्तर ही नहीं था, सब मुझ पे हंस पड़े। बस करो ये सब कुछ, अब आपको आराम की जरूरत है। हाँ पिताजी,
ये उम्र आपके आराम करने की है। रवि भैया जेल में है लेकिन मैं जो जिंदा हूँ मैं कमाऊंगी, मैं काम करूंगी। भगवान किसी माँ बाप को वो दिन न दिखाए जब उन्हें अपनी रोटी के लिए अपने बच्चों की कमाई का सहारा लेना पड़े। कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी, अब आप आराम कीजिए। Come in. Oh, Sunita. Rita ji, मैं आपसे कुछ कहने आई हूं। आओ बैठो। बहुत जल्दी में हो क्या? हाँ। मुझे ग्लास खत्म करने का टाइम भी नहीं दोगी? परेशानी में बहुत सहारा देती है। लो तुम भी पियो। मैं माफ कीजिए। बोलो क्या बात है? रीता जी मुझे वो मॉडलिंग का काम चाहिए। ओ अम्मा ये तुम किसका मातम मना रही हो? यू आर ए मॉडल बाबा मॉडल, स्माइल स्माइल। ओ रीता प्लीज टेल हर शी इज विनिंग द करियर ऑफ अ जीनियस। जीनियस के बच्चे चुप रहे अपना। दैट्स फैबुलस, कम ऑन होल्ड इट बेबी। ये लो सुनीता, अगर तुम अपने काम में ऐसी दिलचस्पी लेती रही तो एक दिन तुम इसे चार गुना ज्यादा पैसे कमाने लगोगी। द स्काई इज द लिमिट। थैंक यू देवी। ओह बेबी दैट्स ग्रेट, आई एम अ जीनियस। वन मोर। मोस्ट मॉडर्न ब्रा। नहीं दीदी मैं ये नहीं कर सकती। जब इतना सब कुछ कर लिया है तो इसमें क्या हर्ज है? कम ऑन वेयर इट। ओ बेबी डोंट बी सो फसी नाउ, कम ऑन। वाओ वाओ। छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? स्टूपिड गर्ल व्हाट हैपेंड? क्या बात है सुनीता, तू इतनी सहमी से क्यों लग रही है? माँ मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या? मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ इस पे तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है ये जो मैं मॉडलिंग का काम कर रही हूँ। बेटी मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं, क्योंकि हमारी दुनिया अलग थी और तुम्हारी दुनिया अलग है। लेकिन इस आईने में देख, ये आईना मेरी और तुम्हारे पिता की इज्जत है। इसमें हमेशा अपनी सूरत फख्र के साथ देखा कर और कभी कोई काम ऐसा न करना जिससे तेरी आंखें आईने के सामने छुप जाए और तुझे इस आईने में अपनी सूरत देखने में शर्म है। कैसी है सुनीता? मैं ठीक हूँ। भैया तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। भैया तुम घर की फिक्र ना करना, मैंने अभी मॉडलिंग शुरू कर दी है, अपनी देखभाल करना। भैया पिताजी कैसे? वो तो ठीक है। यार इतनी सारी कंपनियां हैं, किसी ना किसी में काम तो मिल ही जाएगा। क्यों मिस, कितनी देर और इंतजार करना पड़ेगा? आप नौकरी के लिए आए हैं ना, वेट कीजिए। साहब अंदर बिजी हैं, फ्री होंगे बुला लिया जाएगा। क्या मगर पैसे नौकरी मिलने के बाद चलेगा यार।
एक्सक्यूज मी मिस, आपके पास ताश होंगे? जी, आज सबको सामने बुलाया है। सबको एक साथ? चलो भाई, लगता है सबका काम एक साथ ही हो जाएगा। चलो चलेगा बंधु। गुड मॉर्निंग सर। जी मिस्टर भाग्यवान। वो जी, वो तो मैं हूँ जी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? जी हाँ, मैंने लंदन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से डिग्री ली है जी। डिग्री तो आजकल सबके पास होती है, मगर क्या आपके पास ये काबिलियत है कि इनकम टैक्स बचाने के लिए 50 लाख की इनकम को 10 लाख के लॉस में तब्दील कर दिया जाए? जी, ये तो काबिलियत नहीं, धोखाधड़ी हुई। अरे भाई, धोखाधड़ी में ही तो काबिलियत की जरूरत पड़ती है। आपके पास डिग्री है मगर काबिलियत नहीं। लक्ष्मीकांत, MA LLB। जी मैं हूँ। हाँ तो वकील साहब, आप बगैर वजह के एक हस्बैंड को उसकी वाइफ से डिवोर्स दिलवा सकते हैं? जी हाँ, अगर दोनों राजी हो तो। दोनों राजी हो तो फिर आपकी क्या जरूरत है? ये भी ठीक है। यानी नहीं दिलवा सकते? जी। नेक्स्ट मिस्टर राजेश। जी हाँ, मैं हूँ। आप इंजीनियर हैं? जी हाँ। आपने इंजीनियरिंग तो कर ली, मगर कोई ऐसा भी तरीका जानते हैं कि 50 लाख की बिल्डिंग 5 लाख में तैयार हो जाए और पेमेंट हो जाने के बाद बिल्डिंग फौरन गिर जाए? जी हाँ, मैं काम भी जानता हूँ और मेहनत भी कर सकता हूँ, लेकिन बेईमानी मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है। आई एम सॉरी। ओ, ना जाने ये आजकल के नौजवानों को प्रिंसिपल और असूल की बीमारी कहाँ से लग गई। इस देश का क्या होगा? एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए, आपकी इतनी सारी कंपनियों में एक भी ईमानदार आदमी नहीं है? अगर आपको ईमानदारी का भाषण देना है तो पॉलिटिक्स में जाइए। IAS जौहर की कंपनी में आपके लिए कोई जगह नहीं। गुड बाय। मिस्टर जौहर, आज मैं बहुत खुश हूं। बिलीव मी, आपने मेरे मन की आंखें खोल दी है। मैं जहां भी जाऊंगा आप ही के गुण गाऊंगा। अच्छा करेंगे। यार, मैंने तो आज 4 इंटरव्यू अटेंड कर लिए। वाह वाह, आप ही तो हैं एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। लेकिन अब करेंगे क्या? वो पोटास के पोटली के पिल्लू है ना, उन्हीं के गुण गाते। इनसे मिलो भाई, इनसे मिलो, ये दो नंबर के अमीर हैं, ये दो नंबर के अमीर हैं। वो देश तरक्की कैसे करे जिस देश की ये तकदीर है, ये दो नंबर के अमीर हैं, ये दो नंबर के अमीर हैं। भाई दम चिक दम चिक चिक दम, अरे इनसे मिलो मेरे हम दम, बोलो भाई दम चिक दम चिक चिक दम, अरे इनसे मिलो मेरे हम दम। बहुत बड़ा दफ्तर इनका पर मर्द नजर नहीं आता है, कोई जगह हो ऑफिस में लड़की को ही रखा जाता है। रातें बड़ी गुलाबी इनकी, दिन इनके रंगीन, इनकी महफिल में आते हैं शहर के सारे हसीन। चंचल अल्हड़ कमसिन कलियां इनकी ही जागीर है, ये दो नंबर के अमीर है, ये दो नंबर के अमीर है। अरे दम चिक दम चिक चिक दम, अरे इनसे मिलो मेरे हम दम, बोलो दम चिक दम चिक चिक दम, अरे इनसे मिलो मेरे हम दम। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नाम पे ये स्मगलिंग करते हैं, बड़ों को रिश्वत देते हैं, छोटों को हफ्ता भरते हैं। जहाँ खरीद न
न पाए किसी को वहाँ ये खुद बिक जाए, पैसा काम न करे जहाँ किसी और से काम चलाए, इनका निशाना जाए न खाली इनके पास वो तीर है। ये दो नंबर के अमीर है, ये दो नंबर के अमीर है भाई, दम चिक दम चिक चिक दम, अरे इनसे मिलो मेरे हम दम बोलो, दम चिक दम चिक चिक दम, अरे इनसे मिलो मेरे हम दम। पहले करोड़ों कमाते हैं फिर पब्लिक ट्रस्ट बनाते हैं, ट्रस्टी इनके रिश्तेदार सब माल हड़प कर जाते हैं, ये इनकम टैक्स चुराते हैं, सॉरी चुराते नहीं बचाते हैं, खोल के ये गुमनाम कंपनी घाटा ही दिखलाए, काम बुरे जो करते हैं वो चैन कहाँ से पाए, सब कुछ इनके पास मगर बेचैनी की तस्वीर है। ये दो नंबर के अमीर है, ये दो नंबर के अमीर है, दम चिक दम चिक चिक दम, आह इनसे मिलो मेरे हम दम एवरीबॉडी, दम चिक दम चिक चिक दम, अरे इनसे मिलो मेरे हम दम। बहुत है अपने देश में दौलत लेकिन बंद है तालों में, नौकर में छुप जाती है ढलती है जो टकसालों में, कैसे हटे गरीब देश की कैसे चले सरकार, कैसे काम मिले लोगों को कैसे खुले व्यापार, चंद अमीरों के कारण भारत के लोग गरीब हैं, ऐसे ही अमीरों के कारण लाखों ही लोग फकीर हैं। ये दो नंबर के अमीर हैं, ये दो नंबर के अमीर हैं, दम चिक दम चिक चिक दम, अरे इनसे मिलो मेरे हम दम, दम चिक दम चिक चिक दम, अरे इनसे मिलो मेरे हम दम। ये दो नंबर के अमीर हैं, ये दो नंबर के अमीर हैं, दम चिक दम चिक चिक दम, अरे इनसे मिलो मेरे हम दम। ये दो नंबर के अमीर हैं, ये दो नंबर के अमीर हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। जी मैं मिसेस भादुड़ी नहीं, उनका शौहर। तो क्या हुआ, सेम फैमिली, डू यू माइंड? लेडीज एंड जेंटलमैन, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू अनाउंस, मुझे बहुत खुशी आ रही है कि हमारा देश हर काम में फॉरेन कंट्रीज से आगे बढ़ता जा रहा है, और ये एक मिसाल है कि फैमिली प्लानिंग के ख्याल रखते हुए भी हमारा जहर साथ आज पांचवी शादी करने जा रहे हैं, और ये उनकी इस देशभक्ति का खुला सबूत है कि उन्होंने चार शादियों के बाद भी हिंदुस्तान की तादाद बढ़ाने में कोई हिस्सा नहीं लिया है। मगर तुम्हें देखकर आबादी के बारे में मैंने अपने विचार बदल लिए। आज मुझे उनकी पहली बीवी होते हुए बहुत खुशहाली लगे कि उनकी पांचवी मंगनी का शुभ काम मैं अपने हाथों से कर रही हूँ। ये अंगूठी तो कम से कम 5 लाख रुपए की होगी, और मुझे मैंने तो मुआ 50,000 रुपया सुवारी दी। इस बात पर तो मैं आपकी जान ले सकती हूँ, जान। इतनी नामीद ना हो जाओ श्यामा, फॉर्चुनेटली हमारे देश में अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं बना जिसकी रूह से तलाकशुदा औरत से दोबारा शादी ना हो सके।
थैंक यू डार्लिंग। श्यामा ने ऐसा क्यों कहा? डार्लिंग ये सब औरतें अंदर अंदर तुमसे जलती हैं, इनका बस चले तो ये जहर मुझे नहीं तुम्हें दे दे। मुबारक हो दौर साहब। यानी तुमने मेरी पांचवी जिंदगी बना दी, आपकी खुशी में हमारी खुशी है जौहर साहब। थैंक यू। नमस्ते अजीत प्रसाद जी। नमस्ते, मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी। हाथ हमसे मिलाइए। शादी क्या हो रही है जौहर साहब? क्यों नहीं, मैं ये सोच रहा था कि शादी के बाद शायद ये कैब करना छोड़ दें। तुम शादी के बाद अपना प्रोफेशन छोड़ दोगे क्या? ये कैबरे ही करेंगे मगर सिर्फ मेरे लिए। ये बात हुई जोर साहब। From this we must all have a drink. Well done. Come on. Good night. साहब। हाय रीटा। हेलो सुनीता, ये है ब्रांड साहब, शहर की हर लड़की इनको जानती है। हाँ लड़की नहीं, आपकी तारीफ। ओह ये है सुनीता, यू मस्ट हैव सीन हर इन द मोस्ट मॉडर्न ब्रा। यस नाउ आई रिमेम्बर। सुनीता तुम ब्रांड साहब से बातें करो, मैं जोहर साहब को कंग्रेचुलेट करके आती हूँ। ओके शैल वी डांस? मैं डांस नहीं जानती। तो आप गुफ्तगू तो करना जानती है ना, कि वो भी नहीं जी? अरे ये बात हुई तो आप बात करना जानती है। चलिए आइए दोस्ती कर ले, आइए काम। कैसी लड़की है ये? कौन है ये? ओ ये रवि की बहन है, आजकल सारे घर को संभाल रही है। ओ ऐसे, इसलिए नहीं मान रही है तो कुछ करो ना। तुम ठहरो, मैं उससे बात करती हूँ। सुनीता मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। क्या? ब्रांड साहब तुम पर मर मिटे हैं, वो तुम्हें एक फ्लैट भी खरीद के दे रहे हैं और 5-10 हजार रुपए ऐसे मिल जाएंगे। ये सब क्यों? दीदी ये आप क्या कह रही है, क्या आप इसीलिए मुझे यहाँ ले आई थी? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दीदी आप अपनी फ्लैट की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं कपड़े बदल कर घर चली जाऊंगी। दीदी प्लीज। क्या हुआ? घबराओ मत प्राण साहब, हम सब इसी तरह शुरू करते हैं और जब जिंदगी की परेशानियां सर पर उतर आती हैं, फिर हम इसी रास्ते उतर आते हैं। Remember, I want this girl. मैं किसी लड़की से हार नहीं मानता, समझी? I know it. Good. दीदी आप, तुम्हें समझाने के लिए पार्टी छोड़कर आना पड़ा जी, वहां समझाने का मौका ना था जी। देखो सुनीता तुम जानती हो मुझे तुमसे कोई लालच नहीं, मैं जो कहूंगी तुम्हारे भले के लिए कहूंगी। दीदी आप कहना क्या चाहती हैं? प्राण साहब बहुत जिद्दी भी है, अगर तुमने उनकी बात ना मानी तो ये मॉडलिंग का जॉब भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। क्या? और तुम जानती हो तुम्हारा भाई जेल से छूट कर आने वाला है। प्राण साहब जैसे आदमियों के हाथ बहुत लंबे होते हैं, अगर वो चाहे तो तुम्हारा भाई जिंदगी भर जेल की चक्की पीसता रहेगा। नहीं नहीं, तुम्हें शायद पता नहीं हम सब लोग इन्हीं के अंडर काम कर रहे हैं। तुम्हारा इनकार तुम्हारी नौकरी छीन लेगा, तुम्हारा घर कैसे चलेगा? तुम जानती हो तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है और जिद नहीं किया करते।
ये फोन वाले रोमांस का भी मौका नहीं देते। यस, क्या हुआ? आपके घर पर ब्लैक मनी के लिए रेड पड़ा है? कमाल है, पहले आपको पद्मश्री का टाइटल देते हैं, बाद में आपके घर पर रेड डालते हैं। अरे भाई, मैंने तो तुम्हें एडवांस में ही एडवाइस दी थी कि मेरी तरह सारी जायदाद का चैरिटी ट्रस्ट बना डालो, इनकम टैक्स से बच जाओगे। तुमने माना ही नहीं। अरे मेरे यहां आएंगे तो क्या पाएंगे, सब कुछ तो खैरात में दे दिया है। ये क्या किया आपने, अपना सब कुछ खैरात कर दिया? माय डियर, मैंने अपना सारा पैसा चैरिटी में नहीं दिया, चैरिटी ट्रस्ट में दिया है, और इस ट्रस्ट का ट्रस्टी सिर्फ मैं हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि अपने ट्रस्ट में से खुद ही 1% सूद पर रुपया उधार लेकर फिल्म इंडस्ट्री में 5% सूद पर चढ़ा दूंगा। नाम का नाम, गुठलियों का दाम। क्या इस तरह इस पर टैक्स नहीं लगेगा? अरे भाई, अब तो खुदा को मैंने अपना पार्टनर बना लिया है, और जिस बिजनेस में खुदा पार्टनर हो उस पर टैक्स कैसे लग सकता है? अब आप खुदा के नाम पर भी दुनिया को धोखा देने लगे। मैं नहीं समझती थी कि आप इतना नीचे गिर जाएंगे। अरे मैं नीचे गिर गया तो क्या हुआ, मेरा पार्टनर खुदा तो ऊपर ही है ना। जी हाँ, और इसीलिए आप इतनी ऊपर की चीज को नीचे घसीट रहे हैं। आप जैसे नीच कमीने आदमी के साथ मैं एक सेकंड भी नहीं रह सकती। मैडम। क्या है? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम भी तो मेरे लिए कुछ करते जाओ। क्या करती जो? मेरी अगली शादी की अनाउंसमेंट अपने मुंह से कर देना। हम इनकम टैक्स की रेट के लिए आए हैं। आप सब लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहो, यहां से कोई ना हिले। मिस्टर जोर कहां है? अंदर है। डॉक्टर साहब, क्या बात है? आपके पिताजी की हालत बहुत खराब है, दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैसे बहुत लगेंगे। डॉक्टर साहब, आप हॉस्पिटल में रूम बुक करवा दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। देखो सुनीता, तुम अपनी खुशी से यहां आई हो, और इसलिए मैं तुम्हें प्राण साहब के यहां ले जा रही हूं। बाद में मुझे कोई इल्जाम मत देना। दीदी, मुझे उनके साथ सिर्फ डांस ही करना पड़ेगा ना? हाँ चलो। हाय, बैठिए। हेलो मिसेज नटकर्णी, कहिए आपके हस्बैंड की कैसी तबीयत है? वो तो अभी तक बिस्तर पर ही है। अगर आप बुरा ना माने तो पार्टी के बाद आपको घर छोड़ दूं? अजीत प्रसाद, ये आपके होने वाले दामाद क्या चक्कर चला रहे हैं? क्यों भाई, अपने दिन भूल गए? दिवाली की रात है, कुछ ना कुछ सजावट तो होनी ही चाहिए। अब फिर दौलत तो जवानी के यही तो चौचले होते हैं। जा बाहों में तू झूल जा।
जो चाहिए वो अपने साथ ले जा। मां, मैं इस घर से कुछ भी ले जाना नहीं चाहती, मुझे सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। बेटी, रवि आता ही होगा। कहां जा रही हो तुम? जा! जहरी, अजीत प्रसाद, मेरी इजाजत के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। अजीत प्रसाद, मैं कहीं देती हूं तो मेरी बेटी और उसकी खुशियों के रास्ते में मत आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरी इज्जत को रौंद कर कोई भी इस घर से कदम नहीं निकाल सकता। इज्जत? किस इज्जत की बात कर रहे हो अजीत प्रसाद, जिसे बरसों पहले तुम्हारी दौलत की हविस ने नीलाम कर डाला था? क्या बक रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ, कहते हुए भी शर्म आती है। कभी लोग अपनी पत्नी की पतिव्रता होने की कसमें खाया करते थे, लेकिन तुमने अपनी पत्नी को गंदी नाली में फेंक दिया और इज्जत की बात कर रहे हो। खामोश! नहीं अजीत प्रसाद, अब तुम
तुम मेरी जुबान नहीं रोक सकते। याद है वो रात जब पति होते हुए भी तुमने रातों रात अमीर बन जाने के लिए करोड़पति के हाथों अपनी धर्मपत्नी को बेच डाला था। बंद करो ये बकवास। और फिर तुमने मुझे प्राइवेट कंपनियों के परमिट लाइसेंस टेंडर्स लेने के लिए किस किस के हाथ नहीं बेचा। किसी से बहन किसी से साली कहकर तुम मुझे मिलाया करते थे। अपनी बीवी को नोट छापने वाली मशीन समझ रखा था। मेरी ढलती हुई जवानी अब तुम्हें बड़े बड़े ठेके और परमिट नहीं दिलवा सकती जो इसकी भरपूर जवानी दिलवा सकती है। ले जाओ इसे बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों में और बड़े बड़े ठेके हासिल करो। इसीलिए तुमने इसकी शादी प्राण से तय की थी ना। इसकी माँ होती हो तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारे जैसे अमीर जो अपनी बीवी की कमाई खा सकते हैं उनके लिए अपनी बेटी की कमाई खाना कौन सी बड़ी बात है। ले जाओ इसे और परमिट हासिल करो। अमीर बनो और अमीर बनो। मेरी बेटी के सामने ये बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बेटी? किसकी बेटी? आज एक सच्चाई और सुन लो अजीत प्रसाद। न तुम इसके बाप हो न मैं इसकी मां कहलाने के काबिल हूं। इसके बाप का नाम है मिस्टर परमिट और इसकी मां का नाम है मजबूरी। सुन लो अजीत प्रसाद, हेमा तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम पागल हो गई हो? हाँ अजीत प्रसाद, जब मैं तुम्हारी बीवी नहीं रही थी तो हेमा तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? हेमा तो उस रात की औलाद है जिस रात को तुमने मुझे शराब पिलाकर दौलत की खातिर किसी के हाथों बेच डाला था। रुक जाओ हेमा। क्यों रो रहा है? तेरे पिता नहीं मरे, मेरे पति मरे हैं। मेरे पति क्यों रो रहा है तू? ऐसा मत कहो ऐसा मत कहो। जिंदगी भर उन्हें कोसता रहा कि उन्होंने तुझे अमीर बनने का मौका नहीं दिया। इससे पहले उन्होंने परिवार का सारा भविष्य तेरे हवाले कर दिया और तूने वो मौका खो उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। फिर भी वो तुझसे इतना प्यार करते हैं कि मरने के बाद भी तुझे एक मौका और देकर ये ले उनके इंश्योरेंस के 20,000 रुपए। गंगा तुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। ये पैसे ने मेरे रवि को दे देना ताकि उसे शिकवा न रहे कि उसके पिता मुझे कुछ नहीं छोड़ गए। ले और निकल जा रहा है और बना ले अपनी तेरी अमीरी गरीबी से मुझे कुछ नहीं याद आना। नहीं माँ, जा, जा मेरी नजरों से, जा। नहीं माँ, नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। वो रवि मर चुका, अब मैं तुम्हारे लिए और मेरी बहन के लिए जिंदा रहूँगा। ये मेरी बहन की अमानत है। अब अपनी बहन की फिक्र मत कर, वो इस घर को छोड़कर पहले ही चली गई है। क्या? वो बिना शादी के ही सुहागन हो गई है। कहाँ मेरी बहन माँ? कल रात तो रवि की बहन हमारी एक रात की दुल्हन थी। अरे डार्लिंग, तुम तुम्हारी आदत जानती हो कि रात गई और बात गई। हमें रवि से इंतकाम लेना था तो हमने ले लिया और हेमा वो तो हमारी मंगेतर है। अब रवि जिंदगी भर रोता रहेगा साला। ओके डार्लिंग, माय स्वीट लव, आई विल सी यू टुमारो इन द क्लब। ओके ओके बाय। अरे जैनी, अरे कौन है कंबा? हेलो, ओ कौन? अजीत प्रसाद जी। हेलो जी, मैं प्राण बोल रहा हूँ। अजी बस तन्हाई मुझे खाए जा रही है अजीत प्रसाद जी। अजी मैंने आपसे कितनी बार कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, हेमा को समझाना मेरा काम है, बस एक बार शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद अपने आप सब ठीक। प्राण बाबू, आज तक तुम्हारा वास्ता
मजबूर और कमजोर लड़कियों से रहा है, लेकिन आज मेरी कोई मजबूरी नहीं रही। कमीने, कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी, नहीं, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं, नहीं जाते, नहीं जाते, यो पानी, हराम सादी, नहीं, करामी, कमीने, हराम सादी छोड़, नहीं, नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मार दूँगी, हराम सादी, हाँ, मेरा नाम क्या है? ठीक है। अभी ये कीमती कालीन तुम्हारे खून से खराब हो जाता और मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाए। अरे पागल, हसीनों की मौत तो हसीन होनी चाहिए। बॉस आपने बुलाया? शाम इस लड़की को उठाओ और मेरे साथ छत पे आओ। वीरा ने हमें बताया मेरी बहन यहाँ है, कहाँ है वो? प्राण साहब और उनके गुंडे उसे ऊपर ले गए हैं। आप लोग जल्दी से ऊपर चलिए, नहीं तो वह उसे जान से बाहर डालेंगे। वाह, क्या बात है! अच्छी जगह है नहीं? अब इस लड़की को यहाँ से नीचे फेंक दो ताकि लोग समझे इसने खुदकुशी की है। शरीर की औलाद छोड़ नहीं बैठो। उसे जान से तो नहीं मार डाला? इंस्पेक्टर साहब, जान से मारने तो वो मुझे आई थी, लेकिन आप हमारी दरियादिली तो देखिए, हमने उसे उसके भाई के हवाले कर दिया। रवि, मैं समझती हूं अब मेरी यहां जरूरत नहीं, हेमा को सिर्फ तुम्हारे प्यार की जरूरत है। देश की ये तकदीर है, ये तो
नंबर के अमीर हैं, ये दो नंबर के अमीर हैं। भाई दम चिक दम चिक चिक दम, अरे इनसे मिलो मेरे हम दम, बोलो भाई दम चिक चिक।